मुझे सामने एक बंदर है जो हमें आगे जान नहीं दे रहा है। ये गूणी बांदर साला काटने को आ रहा है, डरा रहा है, जान नहीं दे रहा। देखो क्या स्वैग में चल रहा है, टसन में साला, हमें उधर जाने नहीं दे रहा है। आगे चला गया पेड़ के सामने। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आ गए हम एक नया व्लॉग लेके, और आज का व्लॉग होने वाला है जगदेवा का। जगदेवा एक पंवार वंश के कोई राजा थे जो कि काफ़ी दानी टाइप के थे। भगवान, कुछ सुना है मैंने कि मतलब माता रानी ने उनसे उनका सर मांगा था और उन्होंने काट के उन्हें दे दिया था। हालांकि माता रानी ने वो दोबारा जुड़ा दिया था। बाकी यहाँ आने का ऐसा है कि काफ़ी दिन से टुर्रा मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि भैया चलो मेरे साथ जगदेवा, आपको दिखा के लाता हूँ। तो फाइनली आज बन गया है प्लान, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। जय श्री जगदेवा बाबा, सूचना सदा सहाय करें। मंदिर व पानी के आसपास भूत प्रेत छल छाया पूजन आदि ना करें। पुराने देवी देवताओं के फोटो मूर्तियां मंदिर परिसर में ना रखें, ना नाले में प्रभावित करें। मंदिर को स्वच्छ बनाने में आपका सहयोग करें। तो चलिए, ये भी आ गए हैं ये दो लौंडे। ये पता नहीं क्यों आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इनकी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि इन्हें मंदिर जाना है। तो चलिए मेरे साथ। तो मंदिर तो काफ़ी हद तक जंगल वाला जो अपना मंदिर है उससे सिद्धबली सिद्धपीठ बाबा उससे मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग तो है ही, क्योंकि मैंने यहाँ का काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ जूते चप्पल उतारने की जगह है। तो अपनी चप्पलें उतारने के बाद आ गए हम इन सीढ़ियों की तरफ, जाते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा है मंदिर, क्या है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे बलूनी भाई भी यहाँ आए थे, उससे पहले टुर्रा यहाँ आया था, तो इन दोनों के रिव्यू काफ़ी अच्छे थे यहाँ के लिए कि काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो फाइनली टुर्रे के साथ मैं आ चुका हूँ। अच्छा लगता नहीं, सुनसान है, बस पानी की बहती आवाज़ और चकलों की आवाज़, हवा की आवाज़, प्राकृतिक आहा। देख रहे हो टुर्रे की प्राकृतिक आहा। देखो आहा क्या पानी। ये बगल से एक नदी है छोटी सी, कोई बिल्कुल नहर जैसी है, लेकिन यह है कोई नदी, सुना था मैंने किसी से। और मंदिर परिसर में जूते चप्पल लेकर प्रवेश ना करें, जो कि हम पहले उतार चुके हैं, ये देखिए। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो बिना जूते चप्पल के आएँ। लग रहा है कि मंदिर में कोई नहीं है, पर बाहर एक बोलेरो खड़ी थी, लगता है कुछ बाहर। यहाँ बहुत शांति है इस मंदिर में, जंगलों के। प्रवेश द्वार से अंदर घुसते ही शुरू हो जाता है सिलसिला दर्शन लेने का। तो मेरे लेफ्ट साइड में आप इधर देख सकते हैं, ये नाग देवता का मंदिर है। और अगर मेरे राइट साइड में देखें तो इधर कोई माता जी का मंदिर है। अब किनका है वो सामने जाके पता चलेगा। और सामने आगे मेन जगदेवा बाबा, जगदेवा मंदिर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। नागदेव मंदिर से निकलते ही थोड़ा आगे पे माता रानी का मंदिर आता है। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये माता रानी का मंदिर है, शेरावाली माता, शिव जी। यहाँ पे सभी मतलब देवी देवता रखे हैं। इधर शिवलिंग भी है, नंदी जी भी हैं, शिवलिंग है, और श्री जगदेवा बाबा मंदिर, मंदिर हेतु दान दाता, ये सब लोग दान दे जिन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए सहयोग किया। बाकी चलते अंदर, व्यर्थ बैठ कर समय नष्ट ना करे, धन्यवाद। जय जगदेवा बाबा, जगदेवा मंदिर। तो इधर मंदिर है, इधर ऊपर से बाबा की कुटिया है। फोटो खींच रहे, हम आ गए।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब देवा जी ने अपना सिर काट के माता को चढ़ा दिया था चढ़ावे के तौर पे, वो यहाँ पे दिखाया गया है। इधर भी हैं, इनके नाम नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ पे भी है कुछ, क्या पता हनुमान जी का हो या ठीक से नहीं पता इसलिए क्या बोल सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है। और ये आप कार्ड देख सकते हैं, देखिए कहा जाता है कि जब भी कोई शादी करता है, जब भी कोई यहाँ लोकल का शादी करता है तो वो अपना सबसे पहला कार्ड यहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो लोकल लोग हैं यहाँ के, इनके ईष्ट देवता हैं जगदेवा जी, जगदेवा बाबा ईष्ट देवता हैं यहाँ के लोकल लोग हैं, तो वो अपनी शादी करने जिस दिन शादी होती है तो सबसे पहला कार्ड यहीं चढ़ाते हैं। तो ये लोग जो फसल बोते हैं तो उससे जो पहली फसल कटती है वो सबसे पहले यहीं मंदिर में भेंट के तौर पे चढ़ाया जाता है, चढ़ावे के तौर पे। बाकी मैं भी बाकी आपको मंदिर दिखा दूँ कैसा है क्या है। शिवालय जाने का रास्ता तो अभी ऊपर बाबा की कुटिया की तरफ जाते हैं, देखते हैं उधर कैसा है क्या है, कोई आइडिया नहीं है, अभी पहली बार आ रहा हूँ मैं तो। बाकी काफ़ी अच्छी जगह में बना है, काफ़ी पीस है इस जगह में, शांति काफ़ी है, चिड़ियों की चहचहाट, ठंडा सा मौसम। अरे वहाँ बैठे हैं हमारे बाबा जी, देखो शिवलिंग। बाबा जी को डिस्टर्ब नहीं करते, ये कुटिया है, बाबा जी आराम कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, इधर भंडारा वगैरह होता होगा। बाबा जी सो रहे हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन्हें डिस्टर्ब ना करूँ, इसलिए मैं काफ़ी हल्के से बोला। उधर ऊपर भी एक मंदिर दिख रहा है इस साइड। तो ये जो एरिया शायद यहाँ भंडारा वगैरह या कीर्तन भजन जो भी होते होंगे इधर होते होंगे। ऊपर भी एक मंदिर है, मैं उस तरफ ले चलता हूँ आपको। यह है जय माता की, श्री दुर्गा माता मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये माता जी का है, जय माता रानी अपनी कृपा बनाए। कांच में रिफ्लेक्शन आ रहा है तो ठीक से दिख नहीं पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा हूँ अभी, लेकिन ये माता रानी का मंदिर है, दुर्गा माता का। और अभी यहाँ ऊपर भी कुछ है वो देख लेते हैं, शायद वही मेन मंदिर है यहाँ का। आप कैमरे की नज़र में निगरानी में, जैसे हम यहाँ पर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी मंदिरें दिखाई देगी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी। तो अभी हम मेन मंदिर के सामने हैं, कलाकृति तो काफ़ी अच्छे अच्छे दिखाऊंगा मैं भी आपको, और काफ़ी सुनसान है यहाँ और अच्छी जगह में यहाँ पर मंदिर बनाया गया है बिल्कुल। ये नटराजा ऊपर जगह तो काफ़ी खूबसूरत है ये, और ये हमारी नंदी जी विराजमान है यहाँ।
तो मंदिर आने का आज अवसर मिला और हम आए। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ आपको कि यहाँ मंदिर में काफ़ी शांति है, काफ़ी अच्छा माहौल है। और जिस टाइम पे हम आए दिन में 2 बजे के टाइम, तो इस टाइम पे यहाँ पे कुछ भीड़ भी नहीं है, काफ़ी शांत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, चिड़ियाओं की चहचहाहट सुनाई दे रही है और मंदिर में कोई भी हलचल नहीं, काफ़ी शांति से। आप आओ दर्शन करो, दर्शन नहीं भी करते आप आके सिर्फ यहाँ बैठते भी हो तो एक ऐसा अनुभव आप अपने साथ लेके जाएंगे यहाँ से जो भुलाने लायक नहीं होगा, जो आप लंबे टाइम तक अपने साथ रख सकते हैं। एक शांति, अगर कोई आपको परेशानी है आप बस आके बैठो कुछ देर, जितनी देर यहाँ रहोगे सब चीज़ से दूर रहोगे, काफ़ी शांत महसूस करोगे। तो अगर आप आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ। जगदेवा बाबा ये जो थे, काफ़ी कहते हैं कि मतलब काफ़ी दानी प्रवृत्ति के थे, इन्होंने अपना सर काट के माता को भेंट चढ़ा दिया था। हालांकि माता जी ने वो वापस उनको दे दिया था, लेकिन इस लेवल के वो थे दानी कि उन्होंने बिना अपनी जान की परवाह किए अपना सर चढ़ा दिया था सीधे माता को। और ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, ये मूर्ति जिसमें कुछ डिज़ाइन बनाया गया है, उसके बारे में ज़्यादा पता तो नहीं, लेकिन काफ़ी पुराना है ये। और ये यहाँ का हवन कुंड, आप यहाँ से राख ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, बबूत जिसे कहते हैं। और यहीं से सामने से दिख रहा है मंदिर का टॉप व्यू। जो ये वो मंदिर है जो हम नीचे से सबसे पहले जिसमें गए थे, जहाँ जहाँ जगदेवा जी अपना सर भेंट कर रहे थे माता को। तो उस तरफ से हम मंदिर पे आए थे और यहाँ दर्शन करने के बाद ये ठीक उसके अपोजिट साइड से पीछे के रास्ते एक रास्ता है जो नीचे वापस जाने का है, तो हम निकल रहे हैं। काफ़ी स्लिपरी हो रहा है, ये काई लगी हुई है काफ़ी बारिश से। अब ये भी कोई चीज़ है, समाधि है क्या है मुझे पता नहीं, समाधि जैसा ही कुछ लग रहा है। लेकिन एक नदी है जो काफी पतली सी छोटी सी है, लेकिन है नदी, नहर जैसी लगती है लेकिन है वो नदी। बाकी मंदिर के बारे में मैंने आपको जितना चीज़ें बता सकता था बता दी है, और अभी मुझे लगता है 3 भी बज गए हैं, 1 घंटा में ऑलमोस्ट आए हुए हो ही गए हैं, तो शायद अब हमें चलना चाहिए। आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूँगा आपसे अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आता है, मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जगदेवा बाबा।